हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के लगभग 75 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों और रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार की शानदार खुशखबरी। लाइव टेलीकास्ट के जरिए चली मीटिंग में मंत्रिमंडल सदस्यों की मिली सहमति। लंबे समय के बाद पेंशन बढ़ोतरी पर बनी असमंजस की स्थिति हो गई स्पष्ट। होगी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पेंशनभोगी कर्मचारियों को लुभाने के लिए आगे आई केंद्र सरकार। दिल खोलकर कर दिए कई बड़े ऐतिहासिक फैसले। आखिरकार 4 साल लंबे इंतजार के बाद 18 माह का एरिया का मुद्दा हुआ खत्म। एरिया टेबल जारी। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन व न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। उनकी पेंशन में रिवाइज करने का फैसला कर लिया, यानी अब पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे 2006 से पहले रिटायर्ड जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ये वो पेंशनधारी हैं जो 5 वेतन आयोग के तहत 6500 से 10,000 रुपए पे स्केल के तहत पेंशन पा रहे थे। ये रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग भी इसी तारीख से लागू है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि इससे उन पेंशनरों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त सैलरी 70,000 रुपए से कम थी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने इसे डिफेंस डिपार्टमेंट को लागू करने को कहा। इस रिविजन में पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी शामिल है। इसमें 4600 रुपए की ग्रेड पे को कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5 वेतन आयोग की सैलरी में रिटायर हुए हैं। आर्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल भी जारी किया था। टेबल में बताया गया कि 6 वेतन आयोग में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे 42 रुपए थी। इसमें बढ़ोतरी की गई है और रिवाइज पेंशन भी दी गई है। प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने सेना के सभी विंग को निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहां लागू करें। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 7 वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 3500 रुपए से 157.14% बढ़ाकर 9000 रुपए हो जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 7 वेतन आयोग की पेंशन धारकों के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ग्रेच्युटी की सीमा भी मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जब कभी भी महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्रेच्युटी की अंतिम सीमा भी 25% से बढ़ा दी जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कुल 58 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पेंशन की रकम न्यूनतम 9000 रुपए और अधिकतम 1,25,000 रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने उच्चतम वेतन 1 जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपए होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार में उच्चतम वेतन 1 जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपए होगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रहेगी। नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाले मुआवजा राशि में काफी बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में हुई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाला मुआवजा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों और समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मौत या बहुत ऊंचाई पर दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपए किया गया है, जो पहले 15 लाख रुपए थी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टरी वेतन पेंशन में बढ़ोतरी को निर्धारित करता है। 2024 की शुरुआत में ही केंद्रीय कर्मचारी की उम्मीद को पंख लग गए हैं। संभावना है कि केंद्र सरकार बजट पेश करने के बाद मार्च में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और पेंशनरों की पेंशन में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी जल्दी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौरे की बैठकें की जा चुकी हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 में कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। यह उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए बताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पहले केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% के साथ फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अगर इसे
बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाता है तो कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 28,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं, सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें सरकार ने बड़ी पेंशन के तौर पर नए साल का तोहफा दिया है। देर शाम कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों पारिवारिक पेंशनों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के अनुसार कितनी वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने एक टेबल भी शेयर किया है, इसमें सिपाही के रैंक से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पुरानी पेंशन के बाद 2019 में संशोधित पेंशन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से रिवाइज पेंशन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपए पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपए हो गई। अब ये 1 जुलाई 2021 से रिवाइज होकर 20,394 रुपए हो गई है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संभावित बकाया 27,000 रुपए बनता है, जो एरियर ग्रुप में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार में पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर हर साल 8,450 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है ये ESP इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं, सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम एक साल 2016 में जब सरकार ने 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपए है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन डीए 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18 माह एरियर का हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी।